हेलो फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों का लेक्चर चल रहा है आईटी टूल्स में नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में आज हम जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने अटेंड किया वीडियो को, जिसे बाइनरी कोई बाइनरी नंबर्स है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर कोई बाइनरी है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर मैंने ये भी बताया आपको कि डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कैसे करते हैं, या फिर ऑक्टल है उसको बाइनरी में कैसे करते हैं। आज हम जानेंगे किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, या फिर कोई हेक्साडेसिमल कोई वैल्यू दिया गया है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कोई बाइनरी नंबर है जिसका वैल्यू 1 0 1 1 0 1 1 इसका बेस 2 है, यानी ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्वेश्चन मार्क लगाया गया है जिसका बेस 16 है, यानी हेक्साडेसिमल में उसको चेंज किया गया, चेंज करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे 1 0 1 1 0 1। अब मैंने आपको बताया इसके पिछले क्लास में कि किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में करते समय थ्री का पेयर बनाते हैं, और उसी तरह से किसी भी बाइनरी को हेक्सा में करते समय 4 का पेयर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे 4 का पेयर बनाएंगे राइट साइड से, तो यहाँ पे एक पेयर बना और यहाँ पे 3 डिजिट है, एक का यहाँ पे डिमांड करेंगे। तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं जिससे इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग ना हो और हमारा 4 का पेयर भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम इसको लिखते हैं या फिर हम वही में काउंटिंग भी कर देते हैं, 0 1 2 3, ये एक पेयर का होगा, सेकंड पेयर का 0 1 2 एंड 3। ठीक है, मैंने इसको पेयर बना दिया, या फिर इसको हम बाहर लिखते हैं 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 2 एंड 3, सॉरी, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 0 1 1 0 1 2 एंड 3। मैं यहाँ पे अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल सा है। 0 यानी नंबर मल्टीप्लाई बेस पावर 3 प्लस नंबर मल्टीप्लाई बेस पावर 2 प्लस नंबर मल्टीप्लाई बेस पावर 0 प्लस नंबर मल्टीप्लाई बेस पावर 0, मींस एक पेयर का ये आपका सॉल्व होगा। उसके बाद सेकंड पेयर चलते हैं हम लोग आगे, कंटिन्यू हम लोग करते हैं अपना। सेकंड पेयर है 1 मल्टीप्लाई बेस पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बेस पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस पावर 0। हम यहाँ पे लगाएंगे 16, मींस ये हेक्साडेसिमल का हम वहां पे बेस लगा देंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 0 पे हम 2 2 की पावर 3 है, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 8 हो जाएगा। प्लस 2 2 जा 4 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 8 का मल्टीप्लाई 0 में जब करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद हम 0 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यानी वैल्यू 1 आएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, यानी यहाँ पे 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पेयर में चलते हैं, यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में लगाएंगे नेक्स्ट नंबर, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, 2 2 जा 4 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर, नेक्स्ट क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है, अगर कोई भी नंबर्स की पावर 1 होता है तो स्वयं वो नंबर्स ही होते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट नंबर है आपका 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे हम 16 लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं 4 और 1 0 4 0 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 8 2 1, यानी यहाँ पे 8 2 10 1 11 हो जाएंगे आपके, हम यहाँ पे 11 लिख नहीं सकते। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में कि हेक्सा का बेस होता है 16, 16 में 0 to 9 मींस 10 आपके नंबर्स होते हैं, और A to F क्या होते हैं आपके, अल्फाबेट होते हैं। ठीक है ना, अल्फाबेट होते हैं। यहाँ 10 जो होगा वो A होगा, 11 जो होगा वो B होगा, 12 जो होगा वो C होगा, इस तरह से हम F तक नहीं 15 तक अगर नंबर रहेगा आपका वो F को F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 11 को किससे डिनोट करेंगे, B से, तो यहाँ पे 5 B आपका हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 11 लिखा गया है तो वो रॉन्ग रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि 11 इक्वल टू
बी, ठीक है। इस तरह से हमारा 5B ये आपका हेक्साडेसिमल में आंसर आया। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसको फिर से आपको यदि आपको हेक्सा को बाइंडेड आना है तो आपको दो तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसको एच करते हैं। मेरा आंसर 5B आया था। हम आंसर को लर्न करते हैं और यहाँ साइड में करते हैं हेक्सा को बाइंडिंग। हेक्सा टू बाइंडिंग 5B, इसको सब आपका हेक्सा है। इसको निकालेंगे सबसे पहले हम डेसिमल में। डेसिमल में कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं जैसे 0 and 1, यानी 5 मल्टीप्लाई बेस क्या है आपका भाई 16 पावर 1 प्लस बी मल्टीप्लाई 16 पावर 0, ये आ गया आपका डेसिमल में। सबसे पहले आपको डेसिमल में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मतलब 16 की पावर 1 यानी 16 5 जा 80 प्लस हम यहाँ b मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 है यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका b ही होगा। b का वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि b का इक्वल टू क्या होता है 11 होता है। हम यहाँ पे फिर कर देंगे 11, ठीक है ना। ये आपका 10 हो गया। हम इसमें 11 को ऐड करेंगे 80 में, 1 और 91, यानी 91 आपका आ गया डेसिमल। तो हम कैसे मींस हेक्सा टू यहाँ पे डेसिमल लिखते हैं। सबसे पहले हेक्सा टू डेसिमल कर देंगे, यानी हेक्सा को यदि आपको डेसिमल में करने हैं तो हम इस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डेसिमल वैल्यू पता हो गया। आप स्टार्टिंग में क्लास में आप लोगों ने जाना कि कोई भी डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे करते हैं। बिल्कुल आपको 3 कॉलम बनाना होगा। 3 कॉलम से इसको इजी पूर्वक हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें एक बाइनरी नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, डेसिमल को हेक्सा में कैसे करते हैं। कोई डेसिमल वैल्यू दे दिया गया आपको, उसको हेक्सा में हम कैसे करेंगे, यानी हेक्सा डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने दिया आपको 4, 3, 1, जो आपका डेसिमल है उसको चेंज करना है आपको हेक्सा में करना है, हेक्सा डेसिमल में करना है। तो सबसे पहले हमको 3 कॉलम्स के एक टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें हम 4, 3, 1 इसको हम फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स हमको हेक्सा में करना है। हम जानते हैं हेक्सा का बेस होता है 16, हम यहाँ पे 16 लिखते हैं। अब 16 से हम इसमें भाग देंगे यानी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 26 और यहाँ पे कैरी बचेगा आपका 15 यानी 15 बचेगा। फिर 16 से हम करते हैं तो सॉरी 16 बचेगा 15, ठीक है ना। तो फिर 16 से हम करते हैं तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, यानी 1 ही बार जाएगा। और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो होगा 10, वो आपका 10 बचेगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कोई भी वैल्यू को लिखना होता है तो हम नीचे से ऊपर चलते हैं, यहाँ 1 फिर उसके बाद 10 उसके बाद 15, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि ये वैल्यू इनकरेक्ट है, हेक्साडेसिमल में ना ही ये होता है और ना ही ये होता है, इसके जगह पे हम लिखेंगे ए, सॉरी चूंकि हम जानते हैं हेक्साडेसिमल में टेन का वैल्यू ए होता है, यानी 1 AF, ये आपका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल, ये बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। शायद आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स। यदि आपको हेक्सा को डायरेक्टली बाइंडिंग में कन्वर्ट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे हेक्सा टू बाइंडिंग लिखना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू को जैसे कि हमने ऑक्टल टू बाइंडिंग आपको बताया था उस तरह से हम हेक्सा टू बाइंडिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना पड़ेगा आपको सबसे पहले हमने नंबर यहाँ फिल करिए। मान लीजिए आपको A6 कोई हेक्सा है, इसको हमको चेंज करना है बाइंडिंग में तो हम A का वैल्यू जानते हैं एक, क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है 10 होता है। हम 10 का निकाल लेते हैं बाइंडिंग, सॉरी डेसिमल टू बाइंडिंग। तो हम यहाँ पे 10 में चलते हैं, 2 5 जा 10 0 2 2 जा 4 1 2 1 जा 2, यानी हम किसी भी हेक्सा को बाइंडिंग में कन्वर्ट करते हैं तो 4 डिजिट क्रिएट करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे 4 डिजिट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 6 का हम जब करेंगे तो 6 2 3 जा 6 0 बचा 2 1 जा 2, यानी 110। हम इसको 4 करना है तो यहाँ पे सामने एक 0 लगा लेते हैं, इसको हम डायरेक्टली उसको लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे लिख देंगे a का कितना आया 1010 एंड 6 इक्वल टू 0110, ये आ गया आपका। अब इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, जैसे कि 10 0 1010
जीरो वन वन जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको इसको प्रूफ करना है कि ये हमारा सही है या फिर गलत है, इसको फिर से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का फॉर्मूला फिर से आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1010 0110, ये आपका क्या है, बाइनरी है, इसको डेसिमल हेक्साडेसिमल में करना है, यानी हमको ए सिक्स लाना है। तो सबसे पहले हम 44 का पेयर क्रिएट करते हैं, पेयर ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 0 1 2 एंड 3 0 1 एंड 2 एंड 3। हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं 1 × 3 + 0 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 0। क्लियर, 1 2 3 4, एक पेयर कंप्लीट हो गया। सेकंड पेयर हम लिखते हैं 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 0, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। क्लियर, हम इसको नेक्स्ट टाइम लिखते हैं 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 3 है, तो 8 हो जाएगा, 8 का 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4, 4 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 × 1 = 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक पेयर कंप्लीट हो गया। सेकंड पेयर में चलते हैं 0 × 2 = 3 है तो 2 × 2 = 4 × 8 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 है 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां पे 16 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं फ्रेंड्स, जैसे 8 × 2 = 10 हो जाता है, हम यहां पे 10 लिखते हैं। फ्रेंड्स हम 10, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 लिखा नहीं जाता, हम जानते हैं हेक्साडेसिमल में 10 इक्वल टू ए होता है, तो हम यहां पे ए लिखते हैं। फिर यहां पे 4 × 2 यानी 6 हो जाएगा, शायद आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है, प्रूफ हो गया। हेक्सा जो मैंने A6 को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, आपका ये सिमिलर आया था, मैंने बाइनरी को फिर से हेक्साडेसिमल में ला दिया, प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स ये ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।